मैनपुर में पहुंची परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। आपको बता दें, युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष महेश कश्यप के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। मैनपुर में परिवर्तन यात्रा की आम सभा को संबोधित करते हुए मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने छत्तीसगढ़ को बेरोजगारी, अपराध, वादा खिलाफी में नंबर वन बता दिया। नारी शक्ति अधिनियम बिल को पास दोनों ही सदनों से भारी बहुमत से पास हुआ और लगातार माननीय प्रधानमंत्री 2014 से जब से देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने कमान संभाली, लगातार महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा के साथ साथ बेटियों को रक्षा के क्षेत्र में उनके लिए द्वार खुले, सैनिक स्कूल में उनके लिए द्वार खुले, बेटियों का में वृद्धि हो, उसके लिए लगातार उनका बड़ा प्रयास हुआ और अब राजनीतिक रूप से उन्हें कैसे सशक्त किया जा सकता है उसके लिए भी परिवर्तन आएगा। 2003 में जिस तरीके से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चली है, उसी तरीके से 2023 में फिर 15 साल तक नहीं है, 20-25 साल तक सरकार चलेगी। और यहाँ जिस तरीके से केंद्र से आने वाला पैसा सही तरीके से उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, ये सरकार जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी तो इस पैसे का सदुपयोग होगा, उनकी योजनाओं का लाभ होगा। राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली, भ्रष्टाचारी, जन विरोधी, विकास विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना, छत्तीसगढ़ की बेहतरी और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, ये परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है। परिवर्तन यात्रा के 12 दिन हो गए हैं। जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, सफलता मिल रही है, निश्चित रूप से नवंबर में परिवर्तन